हेलो दोस्तों, मैं हूं टीएन फ्रॉम टीएन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं मॉडर्न पंजाबी ढोल बीट किस तरीके से बनाते हैं और बनाकर दिखाएंगे आपको दिलजीत दोसांझ पाजी का केस सॉन्ग। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, अपने ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट प्रोफेशनल इंडस्ट्री क्वालिटी का म्यूजिक स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन पे कॉन्टेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों मेलोडिक पार्ट के साथ। सबसे पहले आता है इसके अंदर तुम्बी का तुनका, ठीक है जी। नॉर्मल तुम्बी का तुनका है, कहीं से भी आपको सैंपल में भी मिल जाएगा और आपको ये रिकॉर्ड भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों फ्लूट, ठीक है दोस्तों। इस फ्लूट की खास बात है, इसको एल्गोजा फ्लूट बोला जाता है, पंजाबी फोक म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी, बीन की तरीके की थोड़ी थोड़ी लगती है लेकिन इससे साफ नहीं आता है। दोस्तों मजाक से हटके ये दोनों चीजें इसमें यूज करी गई। इसके बाद एक पियानो का, इलेक्ट्रिक पियानो का मेलोडी बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ चार नोट्स का इस्तेमाल किया गया। ओके, इसके बाद दोस्तों मेलोडी का काम जो है खत्म हो चुका है। मेन काम आता है अपना ड्रम्स का, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने लगाया हुआ है यमला ढोलक। यमला ढोलक का एक और पार्ट जिसके अंदर हाई एंड थोड़ा सा ज्यादा है। और इस रिदम को थोड़ा और मजबूत करने के लिए इन्होंने ढोल का यूज किया है। दोस्तों इस तरीके की जो ढोल बीट होती है उसके अंदर जान तब आती है जब आपके पास अच्छे क्वालिटी के ढोल के सैंपल हो। तो ये वाली वीडियो चेक कर लेना, इसमें मैंने फ्री ढोल के सैंपल भी दे रखे हैं। और इसके साथ दोस्तों लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दिया करो। हमारा यही मकसद है दोस्तों आप सभी के साथ मिलकर अपन ग्रो करें। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ड्रम पैटर्न पे, जो कि है बूम बैप हिप हॉप ड्रम पैटर्न। सबसे पहले आती है किक और स्नेयर, ठीक है जी। इसके बाद हाई हैट, ठीक है। ढोलकी के साथ भी अपन सुन लेते हैं इसको। ठीक है जी, इसके बाद 808 लगाया गया है, इन्होंने 808 का यूज किया है। इसके बाद एफएक्स सेक्शन पे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रैश का यूज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पंजाबी ढोल बीट जिसके बिना अधूरी है, वो है फिलर। तो म्यूजिक अपन ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, वोकल इसके अंदर मिक्स करेंगे और कंप्लीट गाना अपन सुनेंगे। उससे पहले अगर आप भी एक इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, आपके समझ नहीं आ रहा म्यूजिक प्रोडक्शन में किस तरीके से ग्रो करना है, आप एक ही लेवल पे जाके अटक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है, दोस्तों इसका बेस्ट सोल्यूशन दोस्तों अपना 3 महीने का ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है, जिसके अंदर आपको दोस्तों मैं पर्सनली हर एक चीज पे गाइड करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सिखाता हूँ। कोर्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, प्लस सारा डाटा जो म्यूजिक बनाने के लिए आपको चाहिए सारा फ्री मिलता है कोर्स के अंदर। जो भी स्टूडेंट सीखने के लिए सीरियस है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हो।